दिस इज जयति और आप देख रहे हो मॉम्स डायरी, अ चैनल फॉर न्यू एज मॉम्स। दोस्तों, अक्सर न्यू बेबीज के केयर के लिए हमें काफ़ी सारे एडवाइसेस मिलते हैं। अगर आप मॉम हो या आप मॉम बनने वाले हो तो आपको बहुत सारे एडवाइसेस को सुनना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसमें से क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एडवाइसेस के वजह से हमें आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ता है अपने बड़ों के साथ या अपने पहचान वालों के साथ, बिकॉज हम श्योर नहीं होते कि हमें जो कहा जा रहा है, जो एडवाइस हमें दिया जा रहा है, हम वो अपने बच्चों के लिए फॉलो करें या नहीं करें। लॉजिक रीजनिंग में चले जाते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग में चले जाते हैं एंड सो ऑन। और ये करना भी चाहिए, अपने बच्चे के लिए कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे ना करें, क्योंकि उनके ऊपर इसका प्रोलॉन्ग कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जो भी केयर का फिर आप आजमा रहे हो या जो कुछ भी आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, प्लीज़ सोच समझ के बकायदा पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद ही वो करें। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के दिए हुए टिप्स में कुछ टिप्स ऐसे हैं जो असल में हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के सेहत के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। उसी में से एक टिप के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ब्लैक हेड सिंड्रोम या क्रूकिड हेड सिंड्रोम, ये आपने काफ़ी टाइम सुना होगा। होता क्या है, जब बच्चे पेट में होते हैं उनका जो स्कल होता है न्यू बॉर्न बेबी का, वो बहुत नरम होता है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे वो उसको मदद करता है। और इसके बाद डिलीवरी के बाद धीरे धीरे जो सर होता है वो शेप लेने लगता है। लेकिन अगर ठीक से ध्यान ना रखा गया, ख्याल ना रखा गया, तो क्या होता है, वो सर का जो शेप बनने वाला है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये पीछे का जो शेप जो गोल होना चाहिए वो स्ट्रेट ऐसे फ्लैट हेड हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अमेजिंग सा और बहुत ही ईजी सा उपाय है हमारी दादी नानी के नुस्खों में, वो है सरसों का तकिया या राई का तकिया। जी हाँ, सरसों के दाने, राई के दाने जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, आपको बस उसका तकिया बनाना है। यानी तकिए में जैसे नॉर्मली रुई भरी जाती है, वैसे आपको सरसों भरना है, छोटा सा तकिया, अपने बच्चे को सोते वक्त उस पर ही सुलाना है। बच्चा पैदा होने से लेकर 3-4 महीने के होने तक सीधा ही सोता है, यानी अपने सर के बल, अपने पीठ के बल ही सोता है, वो टर्न नहीं ले पाता। तो अगर आप ऐसा तकिया उसके सर के नीचे नहीं रख रहे हैं तो उसका सर जो है फ्लैट शेप ले लेगा, अगर उसकी अपीयरेंस पे अच्छा नहीं। 4 महीने के बाद भी जब बच्चा टर्न लेता है अपने सर को, वो अगर फ्लैट सरफेस पे रखता है तो फिर वो उस साइड से भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उसके सर का पूरा शेप बिगड़ जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को मिलोगे जिनके सर का शेप सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते आपका बच्चा ये प्रॉब्लम को फेस करे, तो आज ही से या जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे के लिए सरसों का तकिया या राई का तकिया इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। राइट आफ्टर द बर्थ, यानी डे वन से माँ आप बच्चे के लिए तकिया इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, इतना ही राई भरे कि जब बच्चा अपना सर रखे तो उसका सर उसमें घुस जाए, ना कि वो जो राई है उसकी वजह से ऊपर रह जाए। समझना, तो ज़्यादा एकदम कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए कि जब वो अपना सर वगैरह हिलाए तो वो राई उसके अकॉर्डिंगली पूरे तकिए में घूमे, ताकि उसके सर को अच्छी तरह से सपोर्ट दे। तो दोस्तों, ये राई के तकिए के फ़ायदे क्या क्या हैं। राई का तकिया जो है या सरसों का तकिया जो है, आपके बच्चे के गले को, सर को सपोर्ट देता है, सर के शेप को गोलाकार देने में मदद करता है, आपके बच्चे को गर्म रखता है। जी हाँ, बहुत सारे ठंडे देशों में, ठंडी जगहों पर माना जाता है कि के तकिए पे या सरसों के तकिए पे सोने से बच्चों को कोल्ड एंड फ्लू नहीं होता। तो ये राई के अपने फायदे हैं, तो ये भी एक फायदा है राई के तकिए पे या सरसों के तकिए पे सोने का। इसके बाद आपको वो इस्तेमाल कब तक करना है, तो दोस्तों बच्चे के 4 महीने होने तक तो वो घूमना, मतलब टर्न वन होना शुरू कर देगा, राइट। लेकिन 2 साल तक प्रेफरेबली आप ये सरसों के तकिए पे ही बच्चे को सुलाएं। मेरी बेबी अभी 15 महीने की है एंड वो अभी भी राई के तकिए पे ही सोती है। ये उसके बर्थ के बाद उसकी नानी माँ ने उसके लिए सिला था और हम अभी भी वही तकिया इस्तेमाल करते हैं। बस जो कवर है वो चेंज करते रहते हैं, वो चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का सर तेल वगैरह लगा रहता है या गंदा होता रहता है, तो वो रेगुलर इंटरवल में चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि सफाई आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट सरसों का तकिया और से राई का तकिया। ये आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी भी बच्चे के चीज़ों के दुकान में मिल जाएगा, और एल्स आप इसे घर में ही सिल सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। राई खरीद लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिए, तकिए का आकार दीजिए, राई उसमें भर दीजिए एंड सिल दीजिए। दैट इट, बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम्स डायरी, कीप वॉचिंग मॉम्स डायरी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या एडवाइस हो या कुछ भी हो वो हमें बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।